हेलो लियोस, कैसे हो आप लोग? सो लियोस, कैसा होने वाला है दिसंबर का महीना आप लोग के लिए? क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं? एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. रीडिंग से अगर कनेक्ट होते हो तो फैमिली को ज्वाइन कर लीजिएगा. एंड जो लोग ऑलरेडी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, माय डियर लियोस, वेलकम वेलकम टू माय चैनल. आज हम बात करने वाले कि दिसंबर का महीना कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए एज पर लव, मनी, हेल्थ, क्या गाइडेंस आ रही है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब देखो, चैनल के अकॉर्डिंग अगर आप न्यूमरोलॉजी, मंथली, वीकली, प्लैनेट्स के गोचर एंड ऑल जानना चाहते हो, सो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा. रेमेडीज़ के भी वीडियोस अपलोडेड है कि फॉर जॉब एंड एवरीथिंग आपको क्या उपाय करने चाहिए, वो भी अवेलेबल है. सो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. क्रिस्टल परचेज, कंसल्टेशन नंबर, सब कुछ आपको मिल जाएगा. ठीक है लियोस, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. क्या मैसेजेस आ रहे हैं? ओके लियो, पता है लियो राशि को कौन सा प्लैनेट रूल करता है? सन. ठीक है, इसलिए कहते हैं लियो राशि ना कई बार जब अपनी लाइफ में कोई चीज़ ठान ले करने के लिए तो उसको कोई पीछे नहीं रोक सकता. कभी भी ज़िंदगी में किसी लियो के ईगो से मत पंगा लो, ऐसा कहते हैं. एंड कहते हैं जब लियो की कुंडली में, मतलब जिसका भी लियो लगन है, लियो चंद्र राशि है, और उसकी कुंडली में सूर्य जब ज़बरदस्त पलवान हो जाए ना, तब उसे कोई भी नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने के लिए लाइफ में. फिर मतलब उसको चाहे आप अकड़ू कह लो, जेलस कह लो, जो मर्जी कह लो, पर सक्सेस तो उसी की होती है. तो ये एनर्जीज होती है. और आज आपकी टैरो रीडिंग में कहा जाए हैं द सन के, सूर्य देव की कृपा बनी हुई दिख रही है दिसंबर मंथ में. एंड आई लव दिस कार्ड. इस कार्ड का नाम है द सन. ब्यूटिफुल एनर्जी. सो डेफिनेटली आई डू सी कि अगर आप लोग किसी भी प्रकार के जॉब, प्रमोशन, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देख रहे हो तो ये आप लोग का टाइम है. लेकिन लियो राशि, एक चीज़ आप समझ के चलें, इस ब्रह्मांड में जो प्लैनेट आपको रूल करता है वो सूर्यदेव, और ये सूर्यदेव दिखाई देते हैं नौ ग्रहों में से. सिर्फ दो ही ऐसे प्लैनेट हैं जो दिखते हैं, चंद्रमा और सूर्य. बाकी सारे प्लैनेट्स हमें नहीं दिखाई देते. सो चंद्रमा सूर्य की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है. तो पहली चीज़ तो अगर आप लाइफ में, आपको लग रहा है ना लियो राशि की लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही है, सुबह उठकर सूर्यदेव को नमस्कार शुरू कर दो. ये मैं बहुत कम बताती हूँ एंड लियो राशि की वीडियो में आई थिंक पहली बार ही मैं बता रही रहूँगी, बिकॉज मैंने बहुत देखा है कि लियोस कहते हैं हमारी राशि ऐसी है तो वैसी है तो ये है तो वो है. क्यों अपनी राशि को तुम बुरा बोलते हो? क्यों क्यों वाई नो क्यों बुरा बोलना? जितनी भी अच्छी है बुरी है, सबके अपने एक्सपीरियंसेस. ऐसा नहीं है कि 12 राशियों को किसी को बहुत ही गुड लक राशि है तो कुछ ऐसी नहीं. सबके अपने प्लस माइनस हैं, हर राशि के होते हैं. बट आपके जो राशि के गुरु हैं वो दिखते हैं, तो उनको रोज़ सुबह उठ के नमस्कार किया करो. हे सूर्यदेव, कृपा दृष्टि, दया दृष्टि बनाए रखें. उस दिन से देखिए कैसे किस्मत आपकी बदलती है. ध्यान रखिएगा, इजी उपाय कुछ है नहीं ज़्यादा. बट खैर, इस बार आपकी लियो राशि रीडिंग में सूर्यदेव की कृपा आई है. सो डेफिनेटली सक्सेस, गुड लक, पोटेंशियल अच्छा है. डिसिप्लिन बढ़ता हुआ दिख रहा है. कुछ नया अचीव करते हुए दिख रहे हो, कुछ नई चीज़ें सीखते हुए दिख रहे हो, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया एनर्जीज़ आप लोग के लिए यहाँ पर देखी जा रही हैं. ठीक है, सो आई डू सी पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पर आप लोग के लिए दिख रही हैं. उसी के साथ साथ देखो, आपने ना छल कपट से बचना है, ना खुद चीटिंग करना. अगर आपको लग रहा है कोई आके आपको एडवाइस दे रहा है, यार हम इस शॉर्टकट से पैसे कमा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा, या उसकी गॉसिप कर लेते हैं, इसकी कुछ कर लेते हैं, कुछ ऐसा मत करना, काम आपके बिगड़ जाएंगे. पेशेंस रखना, सब्र रखना, काम आपके अपने समय से हो जाएंगे, डोंट वरी. ट्रैवल के योग बनते हुए दिख रहे हैं, कहीं आप ट्रैवल कर सकते हो, या कोई अपनी एक स्टक प्रॉब्लम एंड सिचुएशन से आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो दिसंबर मंथ में. ओके, एंड जो दिसंबर मंथ का फुल मून होगा ना, वो आपके लिए बहुत सारी क्लेंजिंग एनर्जीज लेकर आएगा. मतलब आपके 2024 के जितने भी टॉक्सिक एक्सपीरियंसेस रहे हैं, लोग रहे हैं, फेलियर्स रहे हैं, वॉट एवर एक्सपायर सेट, उन सबको आप ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को माफ़ करके, लेट गो करके आगे बढ़ जाना. ठीक है, तो ये आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है और अच्छा माना जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा ये महीना. अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो. सो आई सी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आते हुए दिख रही है, इन शॉर्ट. और वो अपॉर्चुनिटी शायद आपके माइंड में भी आ सकती है. सो हर आइडिया के ऊपर ध्यान दो,
तो वो भी आपके लिए कारक रहेगा। देखो लव रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग अगर किसी आप रिलेशनशिप में हो, बातचीत नहीं हो रही है, तो वो रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं। मैरिड हो तो रिलेशनशिप इन न्यूट्रल चलेगा, ना कुछ बहुत रोमांटिक ना कुछ बहुत बुरा, ये देखा जा रहा है। गाइडेंस कार्ड आगे देख लेते हैं क्या रहे हैं। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड लियोस, अ विन विन आउटकम, ब्यूटिफुल। तो देखो पैसा आता हुआ दिख रहा है, मतलब कार्ड कह रहे हैं कि आगे आपके लिए प्रोस्पेरिटी के रास्ते खुले हुए हैं, आगे बढ़िए। दूसरा कार्ड कह रहा है कि नो, आप जहाँ पे भी जो काम करने जाओगे उसमें विन विन आउटकम है, आप ही की जीत होगी, तो ज़रूर वो रिस्क लें। तीसरा कार्ड जो आ रहा है, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, थोड़ा सा रेस्ट भी देना होगा दिसंबर मंथ में, जब आपको लगे चीज़ें ओवरवेल्म हो रही है, ओवर स्ट्रेस्ड आउट हो रही है, या आपको कोई चीज़ में जल्दबाजी तो करनी ही नहीं है दिसंबर मंथ में। तो जहाँ पर आपको लग रहा है ना यार मेरे को यहाँ पे जल्दबाजी में काम करना चाहिए, ऐसे कर लेना चाहिए, वैसे कर लेना चाहिए, सो जस्ट अवॉइड इट। अपने दिमाग को बोलना शांत हो जा, जो डिवाइन टाइम पर मेरे काम बनेंगे, मेरे को जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक आप लोग के लिए एडवाइस आ रही है। बाकी आगे ना मैं और आप लोग के लिए, देखो हेल्थ, आई थिंक हेल्थ एस्पेक्ट रह गया है। हेल्थ में फ्रॉम 15th दिसंबर टू 25th ऑफ दिसंबर तक बीच में कोई थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, जिसका आपको अच्छी डाइट पे ध्यान देना चाहिए, वॉकिंग एक्सरसाइज योगा करें, हो सके तो कोई वाटर एलिमेंट के पास जाकर आप बैठें, क्लेंजिंग करें, मेडिटेट करें, तो भी तभी भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। नाउ अब देख लेते हैं लव मैसेजेस, लव एनर्जीज क्या आ रही है आप लोगों के लिए। बाकी जितने भी लोग, यू नो मैं कहूँगी दिसंबर का एंड बहुत ज़बरदस्त है आपके लिए। दिसंबर एंड में मे बी यू नो फॉर सम लियोज, अगर कोई प्रमोशन के लिए देख रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देख रहे हैं, तो ज़रूर आती हुई दिख रही है। नाइन ऑफ कप्स, यस, रिलेशनशिप में अगर आप, मैं कहूँगी सिंगल हो तो अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। रिलेशनशिप आई थिंक इट्स फाइन, नो नीड टू वरी, रिलेशनशिप आप लोग के बेहतर ही होते हुए दिख रहे हैं, मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है। ओके, सो रिलेशनशिप में मैं कहूँगी अगर इश्यूज़ थे तो वो ठीक होते हुए दिख रहे हैं, इश्यूज़ नहीं हैं तो कोई आते हुए न्यू इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं, सो ऑल फाइन, लव लाइफ इज़ फाइन, इतना टेंशन नहीं है लियोज दिसंबर मंथ में। एंड सिंगल हो तो मे बी 10-20% चांसेस मेरे को दिख रहे हैं कि मे बी फॉर 10-20% ऑफ लियो की लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है, अदरवाइज बहुत ह्यूज चांसेस नहीं है। लेकिन येस, डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ के योग हैं इन दी मंथ ऑफ दिसंबर में, एंड आई सी लॉट ऑफ पावर, डिसिप्लिन, फोकस, करियर। तो चाहे आप एजुकेशन है, जॉब, अगर जॉब में तो बड़े अच्छे से अपना काम करोगे, सब कुछ बढ़िया रहेगा आपके ऑफिस में, एंड मूव ऑन वाली एनर्जीज है, मेंटली कुछ चीज़ों को लेट गो करोगे। चीटिंग, जल्दबाजी से आपने बचना है। द सन के कार्ड आए हैं, यही मैं बात कर रही थी, तो फेम, सक्सेस, रिकॉग्निशन दिसंबर मंथ में के योग हैं, मिलते हुए दिख रहे हैं, या एनी टाइप ऑफ यू नो खुशी, हैप्पीनेस एक्सपीरियंस कर सकते हो। पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों चीज़ें ना इंडिकेट करती हैं ऑफ समथिंग न्यू, एंड जो भी आपका काम है वो बेहतर तरीके से करते हुए दिख रहे हो, फोकस्ड हो, सक्सेसफुल हो, ये देखा जा रहा है। ओके, सो ये ऑल ओवर मैसेजेस एंड एनर्जीज आप लोग के लिए आए हैं लियोस, आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। एंड येस, वन मोर थिंग लियोस, देखो ऑल ओवर अगर मैं सारी रीडिंग देखूँ ना, आपके जो लव मैसेजेस आए हैं, टैरो मैसेजेस आए हैं, गाइडेंस कार्ड जो मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ, देखो फुल मून पर ज़रूर ध्यान देना। दिसंबर मंथ का जो फुल मून होएगा ना, डेट्स नोट डाउन कर लो, गूगल पर आपको मिल जाएंगी। फुल मून के दौरान आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, फुल मून के बाद में आप बहुत रिलैक्स फील करोगे। मे बी आपकी लाइफ के ना, मे बी बहुत सारी चीज़ें जो स्टक थी, जिसमें क्लैरिटी नहीं थी, वो आपकी लाइफ में आप देखोगे आ रही है दिसंबर मंथ में, ये भी देखा जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक कोई काम आपके पेपर वर्क अटके हुए थे तो दिसंबर मंथ में वो भी क्लियर हो सकते हैं। ओके, सो आई होप रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।